told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake. Well, hi guys, welcome back to my channel. My name is Shruti and welcome to Shruti Makeover. कैसे है आप लोग? So, आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए ईजी ब्राइडल हेयर स्टाइल मैं आप लोगों को फ्रंट वेरिएशन दिखाने वाली हूँ. सो चलिए स्टार्ट करती है. आप लोग बहुत प्यार देते हो मेरी हेयर स्टाइल के वीडियो को, तो इसलिए मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ. सबसे पहले आपको इस तरह से ईयर टू ईयर वाले हेयर में क्रिम्पिंग कर देना एंड पीछे में आपको इस तरह से सी सेक्शन निकालना है. एंड पीछे वाले हेयर को आप चाहे तो टाई भी कर सकते हो या फिर सेक्शन क्लिप लगा दोगे. तो ईयर टू ईयर वाला जो आप देख रहे हो, जिसे हम रेडियल पार्टिंग भी बोलते हैं, उसे तो हमने ऑलरेडी क्रिम्पिंग कर दिया. अब हमें क्या करना है, पीछे से भी एक सी सेक्शन निकालना है, क्योंकि ब्राइडल को ना हम आजकल बैक पफ देते, फ्रंट पफ आजकल चल नहीं रहा है. तो आपको सबसे पहले बैक पफ के लिए क्रिम्पिंग करना होगा, जो हम सी सेक्शन निकालेंगे. मैं आइकॉनिक क्रिम्पर का यूज़ कर रही हूँ, माइक्रो क्रिम्पर है ये बेसिकली. सो आइकॉनिक का क्रिम्पर काफ़ी अच्छा होता है. सबसे पहले ईयर टू ईयर हेयर को डिवाइड करेंगे. अब हम प्रॉपर ईयर टू ईयर डिवाइड करेंगे. आप देख लो, ईयर का जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है ना, जहाँ मैं कॉम आपको रख के दिखा रही हूँ, इतना ही पोर्शन छोड़ना है आपको फ्रंट वेरिएशन के लिए. बाकी जो पीछे हेयर आ जाएंगे ना, यानी ईयर के पीछे वाले हेयर, उसको आपको पीछे ही रखना है. आई थिंक मैं एक्सप्लेन सही से कर रही होंगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा गंदी हूँ. सो मुझे बताइएगा कमेंट करके. सो मैंने आपको कॉम से दिखा दिया कि आपको कैसे रखना है. पीछे वाले पोर्शन में तब तक मैंने इस तरह से रबर लगा दिया है. अब मैं क्या करूँगी, पीछे वाले पोर्शन में एकदम प्रॉपर सी सेक्शन, आप डी सेक्शन भी बोल सकते हो इसको, आपको निकालना है. एकदम प्रॉपर निकलना चाहिए, एक्यूरेट. बहुत अच्छा आपका बैक पफ बनेगा, ट्रस्ट मी. मैं बिगनर्स हूँ, मैं बताती हूँ, मैंने हेयर स्टाइल कैसे सीखी तो है नहीं, मैंने खुद से सीखी है. तो मैं गलती करती हूँ, मैं उससे सीखती हूँ एंड देन मैं आपको सिखाती हूँ. सो बस इस तरह से आपको सी सेक्शन निकालना है. एंड आपको क्या करना है, अब इसमें बैक कॉमिंग करना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है. सो बैक कॉमिंग करने के लिए आपको इस तरह से पतला पतला पोर्शन लेना है. तो आप देख सकते हो, अब बैक कॉमिंग करने का तरीका क्या होता है, हेयर को एकदम स्ट्रेट एकदम टाइट होके होल्ड करोगे ऊपर की ओर इस तरह से, एंड देन आपको कॉम को इस तरह से चलाना है. देख रहे हो आप किस तरह से आपको डाउनवर्ड लाना है, एकदम हल्के हल्के हाथों से. मतलब जो ऊपर वाला हेयर होता है, धीरे 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 आपको बैक कॉमिंग करके उसको नीचे लाना है एंड स्प्रे करना है. यहाँ पे स्प्रे के लिए मैंने स्कार्सकॉफ का यूज़ किया, नंबर 5 होल्ड स्प्रे. सो इस तरह से धीरे धीरे आपको अच्छे से एकदम अच्छे से बैक कॉमिंग करना है. बैक कॉमिंग अच्छे से ही करोगे, अदरवाइज आपका पफ नहीं अच्छा बनेगा. तो मैंने आज की वीडियो में ना आपको बेसिकली ये बताया है कि हाउ टू मेक पफ फॉर ब्राइडल, मतलब कि बैक पफ. फ्रंट वेरिएशन आप कैसे दे सकते हो, मैंने आपको 2-3 नए नए चीज़ बताए हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, इस तरह से बैक पोर्शन में अच्छे से आपको बैक कॉमिंग करना है. बस इस तरह से अच्छे से कर लेना आपको बैक कॉमिंग. आप देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से यहाँ पे बैक कॉमिंग किया है. एंड ये बैक कॉमिंग ना खुल भी जाता है, ऐसा अगर आपको लग रहा है ना कि ये बैक कॉमिंग नहीं खुलेगा, तो ये खुल भी जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है. तो अच्छे से बैक कॉमिंग स्प्रे कर लेना आप लोगों को. ऑल्सो गाइस, बहुत लोग डरते हैं कि बैक कॉमिंग करने से ना उनके हेयर ब्रेक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है. जैसे मैंने आपको बताया ना, उस तरह से बैक कॉमिंग करना. सो आप देख सकते हो पफ कितना अमेजिंग बना है. पीछे वाले हेयर जितने बच गए थे, आपने देखा मैंने सी सेक्शन जब निकाला था, हेयर रह गए थे. तो अच्छे से पोनी कर लेना है, टाइट पोनी, एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन भी लग रहा है, आप देख सकते हो अब. सो अच्छे से पोनी करने के बाद इसमें एक बॉबी पिन होता है ना, वो फिक्स कर दीजिएगा. इससे फ़ायदा क्या होता है मैं बताती हूँ. बॉबी पिन फिक्स करने से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो रबर होता है ना, वो लूज़ नहीं होता. अब देखो आप इस तरह से कितना अच्छा पफ बना है. सो पफ बन जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको टाई कर देंगे. आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, अगर आपको लाइंस बनाना नहीं आता, ठीक है? बहुत लोगों को लाइंस बनाना नहीं आता मोस्टली, तो आप छोड़ देना, ठीक है? मैंने यहाँ पे ओसिस का हेयर स्प्रे यूज़ किया, साइन स्प्रे. इससे क्या होता है, फ्रिजनेस चला जाता है हेयर का. सो अच्छे से आपको क्या करना है, इस तरह से क्रिस क्रॉस करके सेक्शन क्लिप को लगाना है. मैं आपको टिप्स दूँ, आप क्या करना, सेक्शन क्लिप को लगा दो. इससे क्या होता है, बिल्कुल भी हेयर ना ख़राब नहीं होते. एंड देन बॉबी पिन को टक किया कीजिए. सो अच्छे से इस तरह से आपको सेक्शन क्लिप को लगा देना है. एंड देन आपको इस तरह से लाइंस क्रिएट करना है. इसे हम बोलते हैं लाइंस एंड पुलिंग टेक्निक की मदद से.
मीन सेकेंड एंड थर्ड फिंगर की मतलब पुल करना है हेयर को, मतलब एकदम आराम से पुल करोगी ना हेयर निकल जाएंगे इस तरह से। एंड स्प्रे बीच बीच में करते जाइएगा तो ये क्या होता है सेट हो जाता है। इस तरह से आप यूपिन भी इसके अंदर लगाते जाओगे ना तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने इसके बाद यूपिन लगाया था। सो आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं कैसे आपको पफ बता रही हूँ। इस तरह से पफ बनाओगे बहुत ही अच्छा, मतलब पफ बनेगा आपका। पफ तो मेरा आज परफेक्ट बना था, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। एंड ये वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी बिगिनर्स है जिनको हेयर स्टाइल नहीं आता है आप मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। मैं ना बहुत अच्छे अच्छे मेकअप ट्यूटोरियल की वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ, ट्रस्ट मी। आप एक बार मेरी मेकअप की वीडियोज़ को देखोगे ना जाके, मैं डेफिनेटली आपको बोल रही हूँ आप दोबारा मेरे चैनल पर ज़रूर आओगे मेकअप की वीडियोज़ देखने के लिए। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करती हूँ एंड अच्छे से समझाती हूँ। तो मेक श्योर आप मेरी मेकअप की वीडियोज़ को प्यार दे एंड देखा करें, पूरा देखोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ आएगा। अगर आप मेकअप नहीं जानते हैं, जो मेकअप जानते हैं मुझे पता है उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, बट हाँ जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो इस तरह से अच्छे से मैंने इस तरह से यूपिन लगा दिया। यूपिन लगाने से क्या होता है, जो लाइंस होते हैं वो फाइन होकर नजर आता है। ये मैं नहीं करती हूँ, बट बिगिनर्स जो है जिनको बिल्कुल भी लाइंस बनाने नहीं आता उनके लिए है, वो ये वाला स्टेप करेंगे ना तो बहुत ही अमेजिंग लगेगा। सो बहुत अच्छे से यहाँ पे हो रहा है, आप देख सकते हो। अब हम इसके बाद क्या करेंगे आप मुझे बताओ, फ्रंट वेरिएशन हम करेंगे एंड पीछे में हम इस तरह से बॉबी पिन लगा के इसको फिक्स कर देंगे। बॉबी पिन लगाने के बाद सेक्शन क्लिप को खोलोगे ना आपका हेयर नहीं बिगड़ेगा। तो ये सब कुछ स्टेप्स थे छोटे छोटे जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप हेयर स्टाइलिंग क्लाइंट पे कर रहे हो। मेकअप तो सबको आ जाता है, हेयर स्टाइलिंग आने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं होगा सो मेकअप भी इतना अच्छा नहीं लगता है। सो देखिए पीछे में आप ध्यान से आपको इस तरह से ट्विस्ट कर देना है हेयर को, मीन्स दो पार्टिंग में मैंने डिवाइड किया एंड इस तरह से हल्का ट्विस्ट एंड लाइंस बना रही हूँ मैं, एकदम हल्का ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का, बस इस तरह से। बस आपको एकदम अच्छे से करना है। इसको भी हम क्या करेंगे, यूपिन लगा देंगे इस तरह से, इससे लाइंस बहुत अच्छे से नज़र आएगा। एंड आप क्या कर सकते हो, आप इसको लाइंस बनाने के बाद आप बॉबी पिन से इसको टक कर दोगे, सिंपल। सो एज यू कैन सी मैंने बॉबी पिन लगा दी। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। दूसरी तरफ भी आपको सेम इसी तरह से करना है, इस तरह से हेयर को लेना है, कॉम करना है अच्छे से एंड फिर से हल्का इस तरह से ट्विस्ट करना है एंड आपको स्प्रे करना है। अगर आपको नीट नहीं लग रहा है तो आप फिनिशिंग दोगे एंड देन इस पे भी लाइंस को अच्छे से क्रिएट करोगे। सो अच्छे से हो जाने के बाद ओवरलैप कर दोगे ना ज़्यादा बेटर लगेगा। मुझे बाद में ऐसा फील हुआ कि अगर मैं ना दोनों को ओवरलैप कर देती तो शायद और अच्छा लगता। कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाता है गाइस, क्या ही बताऊँ, जब वीडियो बनाने जाती हूँ ना तो अच्छा नहीं बनता है, ऐसे ऑफलाइन ना देखोगे ना बहुत अच्छा बना लेती हूँ। आप लोगों के साथ भी होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छा बन जाएगा, बट अगर आप शूट करना चाह रहे हो किसी चीज़ को या पिक्चर्स लेना चाह रहे हो किसी चीज़ के लिए तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ, कमेंट कीजिएगा। मेरे साथ तो बहुत बार होता है। फ्रंट में आपको बस इस तरह का हेयर स्टाइल देना है, देखते होंगे हल्का सा, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, इस तरह से स्लोप में हेयर दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बनाया यूपिन की मदद से, मैंने फॉल बेसिकली इसे फ्रंट फॉल हेयर स्टाइलिंग आई थिंक। सो इस तरह से मैंने किया है, मैं खुद बिगनर से मैं बार बार बोल रही हूँ, तो मैंने ट्राई किया तो बन ही गया था मेरा, अच्छा ही मुझे लग रहा था, कोई ऐसे मुझे नहीं लगता है कि बहुत मुझसे बुरा बना था। सो आपको इस तरह से बना लेना एंड क्या करना है, आपको बॉबी पिन यहाँ पे लगा देना है। तो ये एक तरफ का हमारा बन गया है। दूसरी तरफ मैं आपको दूसरा टेक्निक से बताऊँगी। ये वीडियो मैंने क्यों बनाया मैं बताती हूँ आप लोगों को। आपको मैंने आज तीन चीज़ सिखाया है, पफ बनाना सिखाया है मैंने आप लोगों को, दोनों तरफ मैंने अलग अलग फ्रंट वेरिएशन सिखाया है। तो अगर आप अपनी ब्राइडल को देना चाहते हो ये हिस्सा आराम से दे सकते हो, ये वाला हिस्सा तो बंगाली ब्राइडल पे आराम से चला जाएगा, परफेक्टली जाएगा। एंड दूसरी तरफ मैं जो दिखाऊंगी इंडियन ब्राइडल पे जाएगा। सो बस हियर इज़ आर फाइनल लुक, होप ये वाला
तरफ अच्छा लग रहा होगा आपको, दूसरी तरफ तो बहुत ईजी पीजी दिखाऊंगी आप लोगों को। मैंने सोचा क्या है कि मैं आप लोगों से ना छोटे छोटे जो होता है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ पार्लर में जो होते हैं वो सिखाऊंगी आप लोगों को, जैसे कि पफ बनाना, यू पिन को सेट करना, बॉबी पिन को सेट करना, बैक कॉमिंग करना, ये सब। अब फ्रंट में आते हैं। फ्रंट में मैंने कुछ नहीं किया है, इस तरह से मैंने हेयर को लिया एक एक पोर्शन को एंड बैक कॉमिंग मैंने किया है। इसी तरह से मैं तीन पोर्शन लूँगी एंड हल्का हल्का बैक कॉमिंग करूँगी एंड हेयर को इस तरह से रख दूँगी। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। सो बस आपको इस तरह से कर लेना है एकदम अच्छे से एंड कॉम करना है अच्छे से आप लोगों को। एंड हम क्या करेंगे इसमें लाइंस क्रिएट करेंगे। जी हाँ, हमें इसमें लाइंस क्रिएट करना है। तो इस तरह से होल्ड कर लीजिए आप, साइन स्प्रे ओसिस का यूज कर रही हूँ मैं। हल्का मैंने ट्विस्ट किया, आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हो, मैंने बाद में ऐसे ही कर दिया तो मुझे ना ट्विस्ट वाला अच्छा नहीं लग रहा था। बॉबी पिन सॉरी सेक्शन क्लिप से मैंने लगा दिया इस तरह से एंड मैं इसमें हल्का हल्का लाइंस क्रिएट कर रही हूँ। सो सेम जैसे हमने उधर किया था ना लाइंस क्रिएट पुलिंग टेक्निक की मदद से, हमें इधर भी सेम उसी टेक्निक से कर लेना है। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप ये सब करते हो क्लाइंट के ऊपर क्रिम्पिंग ज़रूर करोगे। एंड आपको एक और चीज़ करना है, ब्लो ड्रायर, अगर क्लाइंट के हेयर बहुत ज़्यादा कर्ली वेवी है, इवन आप स्ट्रेट करके क्रिम्पिंग करोगे एंड देन हेयर स्टाइल बनाओगे तो और भी ज़्यादा आपका अच्छा हेयर स्टाइल बनेगा। सो अच्छे से कर लेने के बाद हम इसको ना बॉबी पिन की मदद से सिक्योर कर देंगे एंड बस हमारा ना यही पे हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो जाएगा। बैक का मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को, वीडियोज़ लंबी हो जाएगी, अलग अलग पार्ट में दिखाऊंगी। सो बस आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।